I'm Rohit Upadhyay, and I'm Assistant Professor in Vishveshwarya Group of Institutions, which is situated in the National Capital Region, Gautam Buddha Nagar. अच्छा सर, आपका इस प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताइए हम लोग को. प्लेसमेंट के बारे में तो ये है कि हमारी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी प्लेसमेंट 100% है, और एक से एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से हमारा कोलैबोरेशन है. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से वो हमारे कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं, और हमारा सारे ही बच्चे प्लेस हो जाते हैं. अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए आप. हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी, इट्स अ वेरी ओल्ड एंड वेरी प्रॉमिसिंग ऑर्गेनाइजेशन. स्टार्टेड इन समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी. इट्स एज ओल्ड एज 21 इयर्स ओल्ड, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉमिसिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन. अब सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं, हमारे एजुकेशन का जो परफॉर्मा है, हमारा एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, टीचिंग का, वो भी बहुत अच्छा है. हमारे यहाँ वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, एंड टीचर्स आर वेरी वेरी स्टूडेंट ओरिएंटेड. हमारा टीचर्स का टारगेट ही होता है स्टूडेंट का वेलफेयर, एजुकेशनली एंड इवन इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. डेवलपमेंट ऐसा है कि देखिए, पहले तो एजुकेशन चली रही है उनकी, थर्ड ईयर में हम लोग उनको थोड़ा सा इम्प्लॉयबल बनाने के उसमें एफर्ट में शामिल हो जाते हैं. वी स्टार्ट द एफर्ट ऑफ मेकिंग देम, फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग देम एम्प्लॉयड, सेकंड मेकिंग देम एम्प्लॉयबल. अब दोनों बातों का फर्क यह है कि देखिए, एक तो हम नौकरी दिलवा नहीं पाते वाली बात होती है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरा उससे ज्यादा अहम यह है कि आप उस नौकरी को सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं. तो उसके लिए आपके अंदर चाहिए प्रोफेशनल स्किल्स, है ना, और कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल एथिक्स. आपको जानना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में रहना और उसमें ग्रो करने के लिए आप में क्या क्या एफिशिएंसीज, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए. उसके लिए हम ट्रेन करते हैं. हम ऑन कैंपस उनको रेगुलर पीडीपी के लेक्चर्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम सिखाते हैं, इंटरव्यू स्किल्स सिखाते हैं, और उनकी ट्रेनिंग होती रहती है रेगुलरली. और उसके अलावा मेरे फ्रेंड मुझे, मेरे कुलीग बताएंगे कि वो एनसीपी के बारे में बताएंगे. जो हमारा कोलैबोरेशन रिसेंट हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है एनपीसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ठीक है, जुलाई में कोलैबोरेशन हुआ है. इसमें हम लोग बच्चे को हम लोग एक दे रहे हैं थर्ड ईयर में ट्रेनिंग पीरियड हम लोग करा रहे हैं. बच्चे 100% इसको प्लेसमेंट हम लोग सब लोग कॉलेज बोलते हैं, बट देते नहीं है. रीजन क्योंकि उनके पास बोलना होता, काम करना कुछ नहीं होता, और हम लोग वो प्रूफ करके दिखा रहे हैं. थर्ड ईयर में हम लोग दे रहे ट्रेनिंग पीरियड दे रहे बच्चे को. फर्स्ट हम लोग दे रहे एनपीसी का हम लोग कोलैबोरेशन हुआ, वो 6000 कंपनी के साथ हुआ, जिसमें हम लोग थर्ड ईयर में बच्चों को हम लोग बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, मुंबई, गुजरात, दिल्ली. अच्छा सर, आप लोग 100% जो प्लेसमेंट बोलते हैं, तो आप लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखिए, जैसे भी हमने आपको बताया, हमारी थर्ड ईयर से बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, प्रोफेशनल एथिक्स, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनकी रेगुलर क्लासेस होती है. तो ये तो उनको हम इंटरव्यू स्किल्स और उसके लिए बना ही रहे हैं, एम्प्लॉयबल बना रहे हैं उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए. इसके अलावा अभी एक महीना पहले, लास्ट मंथ, हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी के साथ. तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट कोलैबोरेशन हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे थर्ड ईयर में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे. हम सिक्स सिटीज हैं, वो सिक्स स्टेट, सिक्स बताइए नाम ना, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता जाकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, पुणे, बैंगलोर. दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बैंगलोर, पुणे, पुणे, चेन्नई एंड चेन्नई. तो ये सिक्स जगह है, यहाँ बच्चे हमारे जाके ट्रेन होंगे. उनका रहना वहाँ पे ट्रेन होना, रहना खाना सब हमारी तरफ से होगा. और उसके बाद ये एनसीपी जो है नेशनल एनपीसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इनका 6000 कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है. तो एक तरह से हम बच्चों को ट्रेन तो कर ही रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की गारंटी भी दे रहे हैं, और वी आर ऑल्सो गिविंग देम अ चॉइस ऑफ 6000 कंपनीज टू चूज फ्रॉम. अच्छा सर, वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट्स को जो प्रोसेसिंग होता है आप लोग का एडमिशन का, प्रोसेसिंग कैसे होता है? देखिए, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स का प्रोसेसिंग इज वेरी इजी. हम लोगों ने अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लॉन्च किया हुआ है, दैट्स स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है ये स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम. हम लोग अब कॉलेज स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम एक्सेप्ट कर रहे हैं. यू हैव टू पे जस्ट 1200 रुपीज, 1200 टाका यू जस्ट हैव टू पे फॉर सीट बुकिंग. 1200 टाका जस्ट एक नॉमिनल अमाउंट आपके पे करते हैं, और तारपरे स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीमर उपरे तादेर पुरो सारा बचर जो खर्चा हे एडमिशन हे कलेज फीस हे जटाई हाँ क्या जो भी हो रहा है वो उसी में हो रहा है. वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम. द थिंग इज एक्चुअली स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्डर बेपार हल हे क्यों जदि 4 lakh अब दि लोन लें 0 to 4 lakh rupees तेज़ के को इंटरेस्ट दीते हाँ
কিন্তু 4 লাখের থেকে 10 লাখ অবধি যদি কেউ লোন নিচ্ছে তাহলে তাদেরকে 4% ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে গভর্নমেন্টকে, আমাদেরকে কিছু দিতে হচ্ছে না, গভর্নমেন্টকে দিতে হচ্ছে। অ্যান্ড দে হ্যাভ আ টেনিওর অফ 15 ইয়ার্স, 15 বছরের মধ্যে তাদেরকে লোনটা শোধ করতে হবে। আর আমাদের কলেজের পুরোপুরি যে জিনিসটা আমরা নিচ্ছি, লাইক আমাদের যে কোর্সেসের জন্য আমাদের যে ফি স্ট্রাকচারটা আছে, ওই গোটা ফিসগুলো আমরা ওখান থেকেই নেব, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের থেকেই নেব ফার্স্ট। আর সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে, যেহেতু আমাদের এখানে বললাম 100% গ্যারেন্টি, স্যার অলরেডি বলেছে 100% গ্যারেন্টি আমরা কলেজে, অবভিয়াসলি আমরা দেয় রিপ্লেসমেন্ট কে লিয়ে, এন্ড অবভিয়াসলি সি উই গিভ ইউ 100% গ্যারেন্টি বাট ইউ হ্যাভ টু কাম ডাউন এন্ড স্টাডি, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং, দ্যাট ইজ দ্য ওনলি কন্ডিশন, ইয়া দ্যাট ইজ দ্য ওনলি কন্ডিশন। ইফ ইউ ক্যানট কাম, ইফ ইউ ডু নট কাম টু আওয়ার কলেজ এন্ড ডু নট স্টাডি, দেন হাউ উইল ইউ গেট দ্য প্লেসমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। সো 100% প্লেসমেন্ট গ্যারেন্টিড হ্যাঁ, তো গ্যারেন্টিড প্লেসমেন্ট যাব আপকো মিলেগা তো ইয়ে 15 সাল কা লোন পে করনে মে আপকো জ্যাদা প্রবলেম হোগা। ओके सर, आप लोग का जो फीस का प्रोसेसिंग है वो कैसे है थोड़ा अगर बताते आप? अच्छा, हमारे जो फीस स्ट्रक्चर है, देखिए हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज है, एक दो कोर्सेज तो नहीं है, तो बहुत सारे कोर्सेज है, तो अभी मैं सारे कोर्सेज का नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सा फ्यू एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ। लाइक अगर कोई बीटेक करता है तो बीटेक के लिए हमारे पास कोर्स फी है 1,35,000 इंक्लूडिंग फूडिंग एंड लॉजिंग। एमटेक के लिए है 1,10,000 इंक्लूडिंग फूडिंग एंड लॉजिंग। एमबीए के लिए 1,50,000 इंक्लूडिंग फूडिंग लॉजिंग। बीबीए के लिए है 1,10,000 इंक्लूडिंग फूडिंग लॉजिंग। बी फार्मा के लिए है 1,50,000 इंक्लूडिंग फूडिंग लॉजिंग। डी फार्मा के लिए 1,50,000 इंक्लूडिंग फूडिंग एंड लॉजिंग। और ये सब कुछ आप लोगों को जस्ट 1,200 रुपया आपको पे करके, 1,200 पे करके आपको बस हमारे सीट बुकिंग करने, बाकी पैसे हम स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं द एंटायर अमाउंट। थैंक यू।